नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं चुनावी नाइट से दीपक चौरसिया लेकर। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा। मल्टी टैलेंटेड है, गायक हैं, एक एक्टर हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने खड़ी की है, साथ ही साथ वो क्रिकेटर भी हैं, शायद कम लोगों को पता होगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मनोज तिवारी का। तो गाने से कुछ याद आया? जी हाँ, ये मेरा बहुत, दीपक भैया, मेरा बहुत फेमस गाना है। इसी गाने से शुरुआत हुई जब मैं बिग बॉस के फिनाले में आया, इसी गाने से शुरुआत हुई जब मैं फिल्मों की दुनिया में कदम रखा, और आजकल तो ये गाना बहुत गा रहा हूँ मैं। गा रहे हैं आप? हाँ, तो यहाँ भी सुना दीजिए। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा और चूरा दही के मार के बोसा, उत्तरांचली बयार में, अरे नॉर्थ ईस्ट में आई गए हैं हम तो तेरे प्यार में, नॉर्थ ईस्ट में आई गए हैं हम तो तेरे प्यार में। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, अरे हर चूरा दही के मार के बोसा, उत्तरांचली बयार में, नॉर्थ ईस्ट में आ गए भैया हम तो तोहरे प्यार में, हम तो आई गए हैं भैया इस भारत निर्माण के ज्वार में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मनोज जी, पहला सवाल, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कितना प्यार मिल रहा है? मैंने सोचा नहीं था दीपक सर, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीछे के 2003 से मेरी दिल्ली जब से छूटी और मैं बॉम्बे गया, तब से मैं दिल्ली कभी कभी ही आता हूं, लेकिन इतने गैप के बाद जब मैं नॉर्थ ईस्ट में गया तो जो प्यार मिला है, और हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, मैं चलते रहता हूँ रोड पे, और आजकल तो पेड़ को भी नमस्ते करते हैं। पेड़ को क्यों भाई? अचानक लगता है कहीं वोटर तो नहीं है अपना, तो ऐसी हाथ उठ जाता है। और बहुत ही साइकोलॉजिकल क्या है ना, कि ये है कि कोई छूट न जाए कि उसने मुझे देखा, मैंने उसे नमस्ते नहीं किया। राजनीति बहुत अपेक्षा की चीज है, और आया हूँ तो अपेक्षा लोग रख रहे हैं, मुझे पूरा भी करना है। एक आज दिल्ली क्यों सुन रहे थे आप, यूपी से लड़ सकते हैं, आपका दिल पूरा भोजपुरी भाषी इलाके के अंदर बसता है, आप बिहार से लड़ सकते थे, आप यूपी से लड़ सकते थे, दिल्ली से क्यों लड़ने की सोची? नहीं, भोजपुरी क्षेत्रों के लोग मुझे बहुत प्यार दिए हैं, तभी मैं यहाँ तक आया हूँ, लेकिन मेरा दिल भारत में बसता है सर, मैं भारत के हर कोने में। मैं देखिए, गांव है मेरा बिहार में कैमूर जिला, पहले शाहबाद जिला था, अब चार जिलों में बंट गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। वहां से मैं हाई स्कूल छूटा मेरा, तो मैं चला आया बनारस, और मैं इसमें गाना गाता हूँ। कौन सा गाना? हर कब छूटा गांव नहीं जाने। एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सुर दे दिया है मुझे, जो मेरी जिंदगी है, और मैं चाहता हूं मैं जीवन भर सुर में रहूं। तो ये जो सुर था, पहले क्या सुर दिया था आपने, यही था ना? हर कब छूटा गांव नहीं जाने, कब काशी लगी याद आने, कब भोर हो गई कितनी कृपा कैलू विंध्या चली मैया, जगत में शोर हो गए। गांव से आया दिल्ली,
गांव से आया बनारस, बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी किया। पांचवी क्लास से पैसा नहीं लेता था घर में से, मेरिट पे पढ़ते थे आप, स्कॉलरशिप पे, स्कॉलरशिप पे पढ़ते थे। और बनारस में आए तो किसी की पार्ट टाइम ड्राइविंग करते थे, 600 रुपया मिलता था, खर्चा चल जाता था। दिल्ली आया था रोजी रोटी के लिए, और जहां हम लोग इस समय कार्यक्रम शूट कर रहे हैं, जहां बैठ के आप पूरे देश में दुनिया में धूम मचा रहे हैं, आप प्रेरणा है सर हम लोगों के लिए। दीपक चौरसिया एक सामान्य पत्रकार, आज उनके नाम से चैनल जाना जाता है। आपका वो फ्लाइटों में मिलना, जिस दिन आपने मुझे पहचाना था मुझे लगा था मैं भी कोई सेलिब्रिटी हूं इस देश में। दिल्ली आए थे भैया 1992 में ग्रेजुएट हुए और दिल्ली आए थे। दिल्ली आके गुलशन कुमार जी के कैसेट कंपनी में स्ट्रगल करते थे, तो एक मरघट वाले हनुमान जी हैं ISPT के पहले, उनके सामने ही हमारे भूमा निकेतन का एक आश्रम है। मुझे रोटी बनाने का मिलता था मौका, मैं भी खा लेता था, क्योंकि उसमें दिल्ली में आके वो दोनों टाइम हम लोग जुगाड़ खोजते रहते थे कहीं मिल जाए फ्री का। लेकिन आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, आपके भाई तो ONGC में काम करते थे, आप खुद क्रिकेट खेला करते थे, इतना अच्छा पारिवारिक बैकग्राउंड था भैया। मेरे हमारे घर में बाबूजी हम 125 बीघा जमीन छोड़ के गए हैं, लेकिन मैं अपने जीवन के 28 साल तक हमारे घर में साइकिल नहीं थी, तो मुझे आभास हुआ कि जब 125 बीघा के किसान के घर में साइकिल नहीं है तो इस देश में किसानों की क्या स्थिति है, मेरे मन में आता था। पहली बार हमारे घर में ट्रैक्टर खरीदा गया था, तब 7 बीघा बेचना पड़ा था हम लोगों को, और मैं जीवन में साइकिल के लिए हमेशा तरसता रहा। एक हमारे गांव में पंडित जी हैं, उनका साइकिल लेके गया तो 4 दिन में आया ही नहीं 4 घंटा के चक्कर में, इतना शौक होता था, साइकिल नहीं होती थी। तो जीवन में ऐसा ही बने भैया, लेकिन मैंने अभाव नहीं झेला, जैसे भी था वो अभाव में भी जश्न मनाते रहते थे हम, और जीवन जश्न बन गया आगे चल के। सबसे पहला ब्रेक आपको टी सीरीज ने दिया सिंगिंग में, सिंगिंग में ब्रेक टी सीरीज ने दिया, और 4 साल की मेहनत के बाद दिया। आजकल के लोग तो 4 महीना इंतजार नहीं करते हैं, 92 से लेके 96 तक इन्हीं दिल्ली की गलियों में, लोधी कॉलोनी में वो क्वार्टर्स है ना, उसमें एक सर्वेंट क्वार्टर होते हैं, इसको बरसाती बोलते हैं ऊपर। मैं भी रहा हूँ 3 साल। आप रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं भी रहा हूँ, मैं भी रहा हूँ, साईं बाबा का मंदिर है। वो समय बहुत आनंद देता है भैया, और मैं नहीं जानता था कि एक दिन मेरे जीवन में इन सब बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली के एक जगह से मैं लोकसभा का प्रत्याशी होऊंगा, वो भी उस पार्टी का जिसका PM कैंडिडेट हमें लगता है कि वो कहते हैं ना कि हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है तो कभी कभी होता है चमन में दीदावर पैदा, वैसा नरेंद्र मोदी आए हैं हमारे देश के लिए। उस समय मैं टिकट पाऊंगा ये मैं नहीं सोचा था, तो कुछ लोग जो बौखलाएंगे ये भी कहेंगे कि तो बाहरी आ गया, पैरासूट से आ गया, तो ऐसे में उन सब चीजों का महत्व होगा, ये सब मरघट वाले बाबा की कृपा है। आपने दिल्ली में स्ट्रगल किया, आपने दिल्ली में अपनी जगह बनाई, टी सीरीज से आपको पहला चांस मिला, उसके बाद कहां, उसके बाद क्या एम किया आपने? मैंने तो ये सुना कि फिल्म की शूटिंग देखने का, जब आप क्रिकेट खेलने गए और आप एक फिल्म की शूटिंग देखते हुए जब मुंबई से वापस लौट रहे थे तो आपका सूटकेस चोरी हो गया, और बाद में उसी सीन को आपने अपनी एक फिल्म के अंदर लिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये उस सूटकेस में ऐसा क्या था जिसने बाद में आपको मुंबई पहुंचा दिया? हम लोग, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्रिकेट टीम का मेंबर था, और हम लोग जा रहे थे सोलापुर क्रिकेट खेलने, और बॉम्बे गए थे, उतरे थे, और हम लोगों के दादा मैनेजर थे बनर्जी दादा, और सूटकेस में चोरी हो गई, कोनो मार के लेके चल गई, और उसमें काफी कुछ भूल गया हम लोगों का, पैसा वैसा तो जो था वो तो हो जाता, टिकट भूल गया, हम लोगों को रुकना पड़ा बॉम्बे में, तो मैं पहली बार शूटिंग देखने चला गया था,
एक अमिताभ बच्चन जी की फिल्म आई थी इंसानियत, इंसानियत आई थी ना, इंसानियत, तो उसकी शूटिंग देख रहा था। शूटिंग भी बड़ा मजेदार, एक दीवार थी, दीवार के उस पार ये लोग थे और मैं एक मुक्की, मुक्की होता है ना भुड़की जो छेदा होता है, तो उसमें मैं आंख लगा दिया, मेरे कंधे पे दो तीन लोग चढ़े थे, लेकिन जब तक शूटिंग खत्म नहीं मैं आंख हटाया नहीं। तो गायन आपका पहला प्यार है या फिल्में आपका पहला प्यार है? गायन, मैं तो हर समय गाने लगता हूँ, गीत में रचता भी हूँ। मैंने अगर 4,300 गाने गाए हैं तो लगभग 3,000 गाने मैंने खुद लिखे हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक ऐसा आपका गाना सुनना चाहूंगा, आपके बढ़िया हिट नंबर पे तो बाद में आऊंगा, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों को आप देना चाहते हैं, आपने खुद ने लिखा हो और हिंदी में हो, ऐसा कोई गाना याद है आपको या कोई भी आपका पसंद का? बिगड़ी बनाने वाली मैया जरा नजर इधर भी घुमा दो, क्यों उलझी है तार जहां में, हो मेरी माँ जगदम्बा सुलझा दो, हो मोरी मैया रे, मोरी मैया रे, मोरी मैया रे, मोरी मैया रे, चारों तरफ है अंधेरा, कैसे है मुझे घेरा, तू ही पार लगाए नैया भवर से छुड़ाए, मोरी मैया रे, मोरी मैया रे। मैंने भजनों से शुरुआत की है दीपक सर, ये मैंने बहुत रोमांटिक नंबर्स भी गाए हैं, लेकिन मैंने पहले भजन गाए और भजनों से मेरी प्रसिद्धि हुई। मेरे बाबूजी सिंगर थे, हालांकि मेरा पूरा होशो हवास में जीवन पिता विहीन बीता है। मैं जब क्लास 8th में था तो मेरे बाबूजी चले गए, वो गाते थे, लेकिन मेरी गुरु मेरी माँ है, क्योंकि मैं लोकगीत गायक हूं। बाबूजी मुझे शास्त्रीय संगीत का एक वंदना सिखा के चले गए थे, वो या कुंदेन्दु तुसार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या ब्रह्मा सुत शंकर प्रभि तभि देव सदा वंदिता। अब इसका सरगम है जो आप गाते, रे गम प गम रे ग सारे नी धब धब पद सारे सारे गम ग गम बद नी धब धम पद दसा 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 रे गब गे ग सा धारे सा नी धप धप मगर सा पद सारे सारे गम ग। बहुत खूब। मैं एक बात दीपक भैया बताऊं कि ये गाना नहीं है, ये लगता है मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मुझे इसके बाद जीवन में एक भी सरगम याद नहीं हुआ। पता नहीं बाबूजी ने कैसे मुझे पेट पे सुला के सिखाया था, मेरे पीठ पे थपकी दी थी, कभी ये भूलता ही नहीं है सरगम। तो मैं समझता हूं जब इसको गाता हूं तो मेरे बाबूजी सामने बैठे हैं और माँ मेरी कहती है तेरे बाबूजी गायक थे, तुम्हें मिला है तो इसको दुनिया में फैला। जो लोग इस चुनाव में आपको बाहरी कह रहे हैं, क्या उनको पता है कि आपका दिल्ली का स्ट्रगल कितना लंबा था? तो बाहरी भी उन लोगों ने आरोप लगाया जिनको हमको बाहरी कहने से, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने आरोप लगाया है, और जयप्रकाश अग्रवाल जी को जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो हम सोचे कहे तो नहीं उनको कहीं मीडिया में, लेकिन आज आपके सामने कहते हैं कि अगर जयप्रकाश अग्रवाल जी को लगता है कि मैं बाहरी हूं तो पहले वो सोनिया जी को हटाएं अपनी पार्टी से, फिर बात।
दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने का आइडिया आपको किसने दिया, पार्टी की तरफ से आया या आपकी तरफ से आया? नहीं, पार्टी की तरफ से। नारायण नारायण। महामुनि, आपका आगमन कैसा? काम से आए मानव क्या? आप पहले विराजिए, विराजिए। प्रणाम। क्या हम इनसे कुछ पूछ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हे मानव, पूछने से पहले देख लीजिए, हम आपके आने पे उठ जाते हैं, कई लोग आपके आने पे उठेंगे भी नहीं। नारायण नारायण। हे मानव, आपके संगीत के चर्चे देवलोक तक हैं। कहते हैं भोजपुरी संगीत में आप श्रेष्ठ हैं और अब आप राजनीति में हैं। हम ये जानना चाहते हैं, अब इन दोनों में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, संगीत या राजनीति, और क्यों? राजनीति कहने में थोड़ा सा मुझे संकोच होता है, क्योंकि राजनीति की परिभाषा गड़बड़ है, लेकिन देश निर्माण के लिए अगर यही राजनीति है तो ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मुनि जी, बहुत बहुत साधुवाद। मुनि देव, कल्याण हो, कल्याण। अब हमें देवलोक में जाने की आज्ञा प्रदान की जाए। नारायण। मनोज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बीजेपी में इंटरेस्ट कैसे जागा, वो भी चुनाव से ठीक पहले? क्या पहले से बातचीत चल रही थी, किसी ने आपको अप्रोच किया था, या आप आना चाहते थे? मैं 89 से एबीवीपी का सदस्य हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, और उस समय हमने अपना अध्यक्ष भी बनाया था, देवानंद सिंह जी अध्यक्ष हुए थे, मैं उनका प्रस्तावक था। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, थोड़ा सा छटपटाहट बढ़ने लगी, उसका निदान नहीं लग रहा था। मैं आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं आए थे, और अटल जी के बाद का जो समय था जी, थोड़ा सा वो ऐसा था कि हम लोग भी निराश होने लगे थे और हम लोग भी कोई ऑप्शन ढूंढ रहे थे। एक छटपटाहट ही थी, कभी अन्ना के मंच पे चले गए, कभी बाबा रामदेव के मंच पे चले गए। मुद्दा अपना लग रहा था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ब्लैक मनी आए, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो, लेकिन एक समय के साथ लगा कि कथनी और करनी में एक हो के जो व्यक्ति अपना पहचान बनाए वो मेरा नेता होना चाहिए, और ये सारे गुण और कृत्य नरेंद्र मोदी में लगे, इसलिए मैं आ गया। इसलिए आप? जी सर। लेकिन मनोज, इससे पहले तो आप साइकिल की सवारी कर चुके थे, गोरखपुर से चुनाव भी लड़ चुके थे, और आपके कैंपेन में मैं आया भी था वहां पर। जी, वो मेरा एक ऐसा डिसीजन था जिसको आज मैं फील करता हूं। आज क्या, मैं 6 महीना बाद ही फील कर लिया था कि ये मेरी नादानी थी। मनोज भाई, यहां से अगर हम आगे बढ़े, आपसे संबंध भी बड़े अच्छे निभाए हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे अमर सिंह जी भी हो, उनसे आज भी आपके अच्छे संबंध हैं। आपने अमर सिंह जी के प्रेम में गीत लिखा था, आपको याद है वो? प्रेम में गीत? देखिए, तब मेरी और आपकी बातचीत नहीं होती थी, हमारे बीच में बड़ा शीत युद्ध चल रहा था उस जमाने में, और कारण भी आपको पता है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वो, देखिए भैया, एक पूर्वांचल का मुद्दा था। उत्तर प्रदेश में एक पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए, बिल्कुल, इसका मैं सोचता हूं कि ऐसा हो जाता तो इतने बड़े यूपी को थोड़ा और सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है इसमें मतभेद भी हो कई लोगों से, तो अमर सिंह जी ने उसको समर्थन दिया था, तो मैं उस समय गाना बना दिया करता था, हर पूर्वांचल के मुंह से निकसल विश्वनाथ के बानी, पूर्वांचल अब राज्य बनी और काशी होकर राजधानी, बानी अमर सिंह के मुंह से सुनाइल बा, तमनो जवा यही खातिर सड़की पे आइल बा। मैं आपके एक और शौक की बात करना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट की बात करना चाहता हूँ। आप खुद सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में आपने एक टीम खरीदी है, भोजपुरी दबंग, क्या नाम इसका? हाँ, भोजपुरी दबंग। भोजपुरी दबंग, क्रिकेट आप खुद खेलते थे, ये क्रिकेट का आइडिया कहाँ से आया, और ये सचिन तेंदुलकर के मंदिर बनाने का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं कि मनोज भाई ने 100 एकड़ जमीन खरीदी है, वहां पर वो स्टेडियम बनाने वाले हैं, वहां पर वो स्कूल बनाने वाले हैं, वहां पर वो बच्चों को क्रिकेट सिखाने वाले हैं,
और वहां पर वो सचिन तेंदुलकर का मंदिर बना रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर के मंदिर बनाने की आपके दिमाग में आइडिया आया कहां से? एक तो मैं जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो मैं टीवी शो कर रहा था एक चैनल का, हम और राजू श्रीवास्तव थे, तो मैं रोज जब जिसे आप एंकर करते वैसे एंकर करता था उसको, तो मैं जब आता था ना तो मैं गाना गाता था कि गांव में तेरा मंदिर बनाऊंगा, वर्ल्ड कप अपने भारत में ला दे, उसमें मैं तेरी मूर्ति सजाऊंगा, एक शतक तू सचिन और लगा दे। गाते गया इंडिया जीतते गया, गाते गया इंडिया जीतते गया, तो जैसे आप शो करते हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट बॉय होते हैं जो बीच में हमें पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, तो उसमें एक ने कहा कि भैया अब तो भारत जीत जाएगा, मंदिरवा बनाएंगे ना, तो मुझे धक से लगा कि ले तो खर्चा बढ़ा दिया। सच बताऊं उसी दिन मेरे मन में आया कि इतना दुनिया देखी है, मंदिर बनाऊंगा मंदिर बनाऊंगा, तो मेरा कमिटमेंट झूठा न हो। और फिर देखिए थोड़ा मतलबी भी हो गया था मैं सोचा यार अच्छा मौका है बना दो, सचिन भी जाने जाएंगे, मनोज तिवारी भी जाने जाएंगे। आइडिया अच्छा है, 2-in-1 आइडिया है आपका। लेकिन कब तक तैयार होगा ये मंदिर, कब तक आप मंदिर रेडी हो गई, मूर्ति लग गई सचिन तेंदुलकर की। जब सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग हो रहा था तो उसका इनॉग्रेशन करने सचिन आए थे, मैं पहली बार उनको सामने से देखा, मैं मंच पे बोल रहा था एज ए कैप्टन ऑफ भोजपुरी दबंग, तो सामने सचिन बैठे हुए थे, तो मैंने सब कुछ कहने के बाद मैंने कहा कि सारी दुनिया इनको भगवान बोलती है, मैंने इनको भगवान कोई प्लानिंग है, भगवान से रोज थोड़ी मुलाकात होती है। आप भी उनको भगवान मानते हैं क्रिकेट का? मैं मानता हूं भैया, मेरा ये मानना है भगवान कृष्ण वाज वेरी गुड बॉलर। मैं 24 साल के पहले के सचिन और 24 साल के बाद के सचिन की बात नहीं करता हूं, लेकिन जितना दिन उस व्यक्ति ने क्रिकेट खेला है हमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि वो समय उसमें भगवान बसा है और हम उसको प्रणाम करते हैं। सारा देश पुकार रहा है अब मोदी की जरूरत है, सारा देश पुकार रहा है अब मोदी की जरूरत है।